मेरे बिल्कुल सामने खूबसूरत आबशार है, खूबसूरत पूल है। होए 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 होए, क्या खूबसूरत जगह है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा सफर नूराबाद वाटरफॉल, जिसे पंचपीर वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है और नर्ड वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। खूबसूरत पथरीले चट्टानों के दरमियान से गुजरते हुए हम अपनी मंजिल के पास पहुँचे, जहाँ पे एक नाखुशगवार वाक्या भी पेश आया। चलें जी, अभी गाड़ियाँ हमने पार कर ली हैं और यहाँ से हमारा पैदल वॉक है वाटरफॉल तक। और उम्मीद करता हूँ पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, क्योंकि हमने जो प्लान किया है वो हमने किया है कि हमने जाके नहाना है। सो देखते हैं जाके, अपने अपने पांडे सब ने उठा लिए। आई हैव दिस। नूराबाद वाटरफॉल रावलपिंडी से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की मुसाफत पे वाक़ है और कहोटा शहर से तकरीबन 20 से 25 मिनट की मुसाफत पे वाक़ है। अगर आप कहोटा से पंचपीर रॉक्स की तरफ जाते हैं तो आपके रास्ते में नूराबाद वाटरफॉल आती है। 10 मिलियन साल पहले यहाँ पे समंदर हुआ करता था और ये उसका किनारा था, और अब यहाँ पे समंदर चूँकि नहीं है तो ये एक नेचुरल लैंडस्केप एरिया बन गया, माउंटेनी एरिया, जिसमें रॉक्स और बाकी आपको चीड़ के दरख्त बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। अच्छा, ये एक रास्ता जहाँ पे बाइक आ सकता है इस पॉइंट तक, ये बाइक खड़ा भी है यहाँ पे। फिर इससे आगे डाउन स्टेयर्स हैं, मुझे नज़र आ चुकी है वाटरफॉल। क्या खूबसूरत जगह यार। अच्छा, वाटरफॉल आपको मैं दिखाता हूँ, और जो पूल बना हुआ है ना, पूल, ओए होए होए, क्या खूबसूरत जगह है। क्या हाल बे भले हो, ए बच्चे बैठे। जो व्यू है आबशार का वो आपको मैं करीब जाके दिखाऊंगा, क्या खूबसूरत मंजर है। एक झलक दिखाता हूँ, सब पीछे रह गए। हाय, आई एम द फर्स्ट वन। अब फिर आप इधर चढ़ गए, यहाँ से उतरेंगे कैसे? उधर से आए ना, खबरदार जो इधर से छलांग लगाई तो। अच्छा जी, पहुँच चुके हैं, पहुँच चुके हैं हम, और मेरे बिल्कुल सामने खूबसूरत आबशार है, खूबसूरत पूल है। होए 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 होए, क्या खूबसूरत जगह है, क्या ही फंटास्टिक जगह। मैं गिरने लगा था, और हाँ, बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जाके आपको मैं दिखाऊंगा। पानी के बाद आपको आना शुरू होगी होगी, पत्थरों के ऊपर जाके खड़े होते हैं। हाँ, और ये देखें, वाह, चलें जी, सारे पहुंच चुके हैं करीब तरीन, और यहाँ पे किसी जगह पे हम बैठ के एक तो अपना बारबेक्यू करेंगे। पानी में नहाना बहुत मुश्किल है क्योंकि पानी बहुत ही गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा पानी, तो यहाँ पे कोई पता भी नहीं होता पानी के अंदर रास्ते बने होते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं पानी कितना गहरा है, नहाना डेंजरस भी हो सकता है यहाँ पर। जी, हम पहुंच चुके हैं जी नूराबाद आबशार के पास,
और हम लाए हैं धुआना जो के है लाल सारे लाल 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 उनकी भी शर्ट लाल अभी लाल वहां से मिला वीडियो खराब हो गई है ये नाकाम तेरा कहां है भाई नूराबाद वाटरफॉल इंतहाई खतरनाक और गहरी जगह है जिसमें नहाना खतरे से खाली नहीं है। वहां पहुंचने वालों में से हम सबसे पहले लोग थे जो वाटरफॉल तक पहुंचे। उसके बाद कुछ मुकामी लोगों ने आकर यहां पे नहाना शुरू किया तो हमने भी हिम्मत बांधी और उनके साथ नहाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो नाखुशगवार वाकया पेश आया वो आप खुद ही देख लें। ये बिल्कुल आप मगरमच्छ की तरह लग रहे हैं। ये मगरमच्छ आ रहा है सलामी के चबूतरे की तरफ। होता है होता पकड़ो बाकी होता है क्या कह रहा था? ड्रामा नहीं कर रहा है, हकीकत में नीचे चला। इसको नहीं तैरना, नहीं तैरना आ रहा था इसको। हमें भी हमारा हाइकिंग हाइकिंग नहीं है, पहाड़ों पे जाते हैं। इस्लामाबाद हाइकिंग ट्रेल के नाम आखिर में बताता चलूं कि ये एक मजाक था जो हमने सबके साथ किया। और उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।